ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। आप सभी का संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आप सभी को पता है कि हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है त्रिवेणी संगम की। इस ज्वाइंट इवेंट में अलग अलग दुनिया के ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं और इसी श्रृंखला में आज के जो अतिथि योग प्रशिक्षक है रिनाउंड पर्सनालिटी है उनका भी मैं स्वागत करता हूं और आप सब। तो आज के जो हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक है डॉक्टर प्रवीण जी डब्ली सर जो एमडी किया है अल्टरनेटिव मेडिसिन में और बीएनवाईटी योग टीचर का भी कोर्स उन्होंने किया है। हेल्थ मोटिवेशनल स्पीकर लाइफस्टाइल एंड योगा नेचुरोपैथी एंड योगा थेरेपिस्ट भी है योगा टीचर है एक्स योगा फैकल्टी एक्स जेड आर यू सी सी मेंबर सॉरी बताएंगे उसका लॉन्ग फॉर्म फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी है। तो इतने सारी क्वालिटी और कॉम्प्रेसिव पर्सनालिटी हमारे प्रवीण सर बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम रहता और मैं हर बार देखता है कि उनके अलग अलग एक्टिविटी शुरू होती है। तो ऐसे हमारे प्रवीण सर बहुत दिनों के बाद हमें सेवा दे रहे हैं तो उनका मैं तहे दिल से राजू डांगे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर भी आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन में उनका भी स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के हमारे सर का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। प्रवीण सर यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम और आनंदमल सर कुछ बोलना है अनिल कीजिए सर आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। प्रवीण सर से हम पहले भी मिले हुए हैं, आपने पहले भी हमारे यहाँ बहुत शानदार सेशन लिया हुआ है। बहुत ही एक कुशल प्रशिक्षक और मार्गदर्शक, समझाने की कला इनकी बेजोड़ है। तो आज हम इनसे और बहुत सी बातें जानेंगे सीखेंगे। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से प्रवीण सर आपका स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहम ओम अरहम। ओके प्रवीण सर यू मे स्टार्ट टुडे सेशन बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। जी नमस्कार सभी को सभी साथियों को नमस्कार और सबसे पहले तो डांगे जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने इस क्लास में पुनः एक बार सेवा देने का मौका दिया उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दूसरा योगा का बहुत सारे सेशंस आप लोगों ने किए हैं अलग अलग विधाओं को आपने सीखा है और हर विधा जितनी भारत में प्रचलित है उन सारी विधाओं को आपने डांगे जी के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। उसमें से आप लोग कितनी विधाओं को रोज करते हैं ये तो मुझे नहीं पता लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पर आपको फायदा हो रहा होगा यह मैं मान के चलता हूं। बहुत सारी विधाएं हैं योग की, कई भ्रांतियां भी हैं कि योग क्या है, उस विषय में क्या हमें बोलना है या उस विषय पे क्या करना है, इससे भी कई लोग अनभिज्ञ हैं। और वास्तव में योग को लोगों ने सिर्फ अपनी सेहत को ठीक रखने का मार्ग समझा है। मैं थोड़ा सा इस पे आपको बताना चाहूंगा कि योग क्या है। हर एक व्यक्ति ने हर एक योग साधक ने हर एक गुरुओं ने अपनी अलग अलग परिभाषा इसको दी लेकिन हम जो कर रहे हैं या हम जो सीख रहे हैं योग नहीं है, वो योग नहीं है, वो हम लोग करते हैं। योग का अर्थ है एक समूह जिसमें आठ विधाओं को जोड़ा गया है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार और उसके बाद समाधि। यह जो प्रवास है यह हमारा योग, इसे हम योग कहते हैं। वास्तविकता में हम जो कर रहे हैं वो आसन और प्राणायाम है,
निश्चित तौर पे इससे हमें स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, लेकिन यह एकमात्र सीढ़ी है जिसे हम समाधि तक जाना चाहते हैं, जिस योग को हासिल करना चाहते हैं। तो हम लोग आसनों को आपने अलग अलग विधाओं में सीखा है। इससे पहले की क्लास में भी हमने एक योग सीरीज, आसनों की सीरीज हमने ली थी, जिसमें आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स या जो भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स थे उस पर आपको निश्चित तौर पर फायदा पड़ता था, जिसे हम पवन मुक्तासन मालिका एक कहते हैं, हमारे गुरुओं की तरफ से जो हमने सीखा है। तो वो एक पूरी सीरीज है जिसमें आपके शरीर के छोटे छोटे जॉइंट्स को सबसे पहले फ्री किया जाता है, मोबिलिटी दी जाती है, ताकि आप आसनों के लिए तैयार, क्योंकि आसन, उसके बाद प्राणायाम, इन सारी चीजों के लिए आपको स्थिर बैठना भी होता है। तो आसन आपको वो स्थिर बैठने का एक प्लेटफॉर्म आपको देता है, आपके शरीर को उस विधा तक, उस लेवल तक तैयार करता है कि आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सके, ध्यान की प्रैक्टिस कर सके। आज कुछ नया हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि योग तो आप रोज कर रहे हैं तो थोड़ी सी टेक्निक में बदल है, थोड़ा सा हमारे गुरुओं ने जो बताया है। मैं बिहार स्कूल ऑफ योग से जुड़ा हूं, जो पहला विद्यापीठ है योग का भारत में, 1956 में उसकी स्थापना हुई थी। तो वहां की जो विधाएं हैं, वहां की जो टेक्निक है, वह थोड़ी भिन्न है, या उसे हम कहें कि वो बेसिक है। तो सबसे पहले तो हम सभी साधकों का भी स्वागत करता हूं कि एक अपनी आयु सीमा मुझे यहाँ नजर आती है, सब 40 और 50 के आसपास ऊपर करना है तो निश्चित तौर पर आसन प्राणायाम करने हो, आप उसे योग कहें या आपको जो उसके संबंध में, आप प्रज्ञा ज्ञान के बारे में आपने कई बार, हमने आपका वीडियो भी देखा है, रिकॉर्डिंग भी सुनी है, ध्यान और उस पर नहीं जाएंगे, हम आपको छोटी छोटी प्राणायाम की टेक्निक सिखाएंगे, कुछ आसनों की टेक्निक हम बताएंगे जिससे आप स्वस्थ रह सके, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति पीड़ित है छोटी छोटी तकलीफों से, जिसमें कमर दर्द है, गर्दन का दर्द है, शोल्डर का पेन है, कई बुजुर्गों को घुटनों में दर्द आ जाता है, कईयों को एड़ी में पेन हो रहा है, टेनिस एल्बो की समस्या हमारे समाज में अभी बहुत फैल रही है, और उसके भी अलावा अभी जो चल रहा है हमारे नागपुर में तो ऐसे है कि चिकनगुनिया का बहुत प्रकोप बड़े पैमाने पर हो रहा है, और उसका असर यह हो रहा है कि उनके हाथों पर, हाथों की उंगलियों पर और पैरों की उंगलियों पर बहुत असर हो रहा है, वो चल भी नहीं पा रहे हैं जो उससे पीड़ित हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी आज हम थोड़े से आसन आपको बताएंगे, ताकि आप अपने आप को उस चिकनगुनिया के डिजीज से या उस जॉइंट्स के पेन से निकाल सके, और कुछ चीजों को बताएंगे जिसमें आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों के दर्द से अपने आप को बचा सके। बाकी योग तो आप रोज कर रहे हैं, इसलिए आसन आप रोज कर रहे हैं तो उसका बहुत नहीं लेंगे। तो उसके शुरुआत करते हैं, सभी लोग एक सुखासन में, सिद्धासन में, या जिस आसन में वो बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाए, पीठ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, अपने घुटनों पर रख लें सीधा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, आंखों को कोमलता से बंद करें और शरीर की हलचल को धीरे धीरे कम कर दें, और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पर लगा दें। जो श्वास शरीर में चल रही है वह पूरी ऑटोमेटिक है, उसे आप ले नहीं रहे, वह स्वयं आ रही है और स्वयं बाहर जा रही है, इस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। जो श्वास आप ले रहे हैं वह एक नई ऊर्जा आपको दे रहा है, आप कर रहे हैं
वह आपके शरीर से तनाव को दूर कर रहा है, इसका अनुभव करते रहें। हर श्वास एक नई ऊर्जा आपको दे रहा है, हर प्रश्वास शरीर से तनाव को दूर कर रहा है, इसका अनुभव करते रहें। श्वास अनुभव करें कि आपके पूरे शरीर श्वास फैल रही है, पूरे शरीर से तनाव को दूर कर रही है, इस अनुभव करते रहें। भूल जाए आपके बाजू में कोई है, कोई आवाज आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी को शिथिल रखना है। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ श्वास और आपका शरीर। अपनी बंद आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करें। आपका बैठा हुआ शरीर स्थिर और शांत है, मन में कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं। शरीर का हर पार्ट शिथिल हो रहा है, पैरों में शिथिलता का अनुभव करें, कमर, पीठ, कंधे, दोनों हाथ, गर्दन, आंखें, पूरी तरह शांत। अब अपनी चेतना को अपने भ्रूमध्य में लेकर आए। दोनों आंखों के बीच की जो जगह है उसे भ्रूमध्य कहते हैं, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, जहां आपका आज्ञा चक्र है, उस स्थान पर अपनी चेतना को लेकर जाए। वहां एक जलती हुई को देखने का प्रयास करें, एक दीपक की लौ को देखने का प्रयास करें। वह दिया आपके घर का हो सकता है, भगवान के पास का हो सकता है, उसकी लौ, उसकी ज्योति को देखने का प्रयास करें। पूरा शरीर शांत और शिथिल है, मन प्रसन्नता का अभाव है। अपने आज्ञा चक्र पर, अपने भ्रू मध्य पर एक दीपक की लौ को देख रहे हैं। उस लौ पर ओम की आकृति का अनुभव आप कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास को लेना है और ओम मंत्र का उच्चारण 3 बार हम करेंगे साथ में। लीजिए गहरा श्वास। फिर से लीजिए गहरा श्वास। फिर गहरा श्वास। जिस ओम की ध्वनि का उच्चारण आपने अभी किया उसे पुनः अपने कानों में सुनने का प्रयास करें। वह आपके आसपास ही उसकी ध्वनि गूंज रही है, उसके कंपन का अनुभव अपने शरीर पर करें।
अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे में रगड़िए, उसकी ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाइए, फिर आंखों को खोलिए, अब दोनों पैरों को अपने सामने की तरफ खोल दीजिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ लंबा कर दीजिए, अपने हाथों को थोड़ा सा अपने पीछे की तरफ रखाएं, दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। वेरी गुड। आंखों को बंद करना है और जो भी क्रिया आप करोगे उसे अपनी बंद आंखों से देखने का प्रयास करना है। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं, साथ में श्वास का उपयोग आपको जरूर करना है। जब आप पैरों की उंगलियों को ऐसे सामने की तरफ मोड़ोगे तब श्वास को छोड़ना है, और जब आप श्वास उंगलियों को अपनी तरफ करोगे श्वास को लेना है। ठीक है, चलिए, साथ में पैरों की उंगलियों को सामने की तरफ मोड़िए, अब श्वास लेते हुए से अपनी तरफ करिए पूरा, जितना मैक्सिमम स्ट्रेच आप कर सकते हैं अपने उंगलियों को, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए अपनी तरफ, और पूरा ध्यान रखिए अपने उंगलियों के जॉइंट्स पर जहां के लिए आप क्रिया कर रहे हैं। वेरी गुड। 5 बार करना है इस क्रिया को। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे चिकनगुनिया की तकलीफ है, जिसे आर्थराइटिस की तकलीफ है, उनके लिए ये बहुत आसान क्रिया है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पैरों की उंगलियों को सामने की तरफ मोड़ना है, फिर अपनी तरफ। बहुत अच्छी। दूसरी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, अपने एंकल को पूरा स्ट्रेच करना है, एंकल को पूरा स्ट्रेच करना है इस तरह, पूरा सामने की तरफ करिए, दबाइए पूरा। बहुत अच्छे। देखिए आपके पीछे के पैरों पे तनाव आ रहा है, पीछे की मसल्स को तनाव आ रहा है, अब इसे श्वास लेते हुए अपनी तरफ करना है पूरा, जितना आप दबा सकते हैं उतना दबाने का प्रयास करें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, फिर अपनी तरफ, एक बार और, फिर अपनी तरफ। वेरी गुड। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर कर दीजिए और राइट एंकल को घुमाना है क्लॉकवाइज, पूरा इस तरह आना चाहिए, वो जमीन को लगना चाहिए अंगूठा, पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच आना चाहिए। 3 बार घुमाना है। वेरी गुड। इसमें भी श्वास का उपयोग करना है आपको, नीचे से ऊपर आएगा श्वास को लेना है, ऊपर से नीचे जाएगा श्वास को छोड़ना है। वेरी गुड, करके देखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए, विरुद्ध दिशा से, 1, 2, 3। अब दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग से 3 बार क्लॉकवाइज, 1, 2, 3। वेरी गुड। अब इसे 3 बार दोनों पैरों से करने हैं एक साथ, करिए 1, पूरा स्ट्रेच करिए, 2, 3। अपोजिट, 1, 2, 3।
इसके बाद की क्रिया बहुत अच्छी है, अपने पैरों को राइट लेग को मोड़कर थाइस पर रख लें, राइट हैंड से एंकल को पकड़िए, लेफ्ट से अपने उंगलियों को पकड़िए। अब एंकल को अंगूठा जो है वो एंकल के जॉइंट पर प्रेस करना है आपको, हल्का सा अंगूठा आपके एंकल के जॉइंट पर रखिए और उसे आप घुमाइए फॉरवर्ड वन, पूरा एंकल को पूरा घुमाइए जितना मैक्सिमम घुमा सकते हैं, टू थ्री फोर, अंगूठे का प्रेशर अनुभव करिए, फाइव, इसी को रिवर्स घुमाइए, रिवर्स उल्टा वन, वेरी गुड, अंगूठे का प्रेशर देखिए आपके वहां की मसल हल्की सी हिल रही है, टू थ्री फोर फाइव, इसी को दूसरे पैर से करना है, इसमें लेफ्ट हैंड का अंगूठा अपने एंकल जॉइंट पर रखिए, राइट से उंगलियों को पकड़िए और एंकल पर अपने अंगूठे का हल्का प्रेशर दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, रिवर्स उल्टी दिशा में घुमाइए, वन टू थ्री फोर फाइव, वेरी गुड। ये तीन आसनों से आप चिकनगुनिया के असर से अपने पैरों पे जो असर हुआ है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब हाथों के अभ्यास के लिए, जिसपे हाथों पर बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, ये जॉइंट्स आपके पेन कर रहे हैं, इसके लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ कर दें। अब श्वास लेना है और मुट्ठी को बांधना है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, अंगूठा अंदर, वेरी गुड, और श्वास छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच करना है, श्वास का आवाज आने दीजिए जोर से, वेरी गुड। दूसरा जो जॉइंट्स आपके हैं हाथों के, उस पर सूजन आती है, आर्थराइटिस में भी इन जॉइंट पर सूजन आती है, उसके लिए अभ्यास है उंगलियों को सिर्फ मोड़ना है इस तरह, जिस तरह शेर के पंजे होते हैं ना, वन टू थ्री फोर, पूरा नहीं सिर्फ आधा मोड़ना है इस तरह नाखूनों को, यस, पूरा नहीं मोड़ना है आपको, सिर्फ आधा, वन टू थ्री फोर फाइव, वेरी गुड, करिए करिए, हाथ में दर्द आ रहा है आपके, यस, रिलैक्स। उसके बाद जो असर चिकनगुनिया का है वो आपके रिस्ट पर है, तो रिस्ट आप लोग घुमाते हैं ये इस तरह, कोई इस तरह घुमाता है, वो इस तरह, नहीं यह रॉन्ग है, आपको रिस्ट घुमानी है इस तरह, रखिए अपनी बंद अंगूठा बांधकर अंदर, अब लेफ्ट हैंड से अपनी रिस्ट को पकड़िए, रिस्ट पर पकड़ते समय अंगूठा और ये उंगली आपकी बीच में होती है, यह जो पॉइंट है आपका और यहां पे इस ऊपर में, तो इसको ग्रिप दीजिए इस तरह, अब इसको घुमाइए, पकड़कर रखिए, घुमाइए, वन टू, सिर्फ आपकी रिस्ट घूमनी चाहिए, थ्री फोर फाइव, मुट्ठी को बांधना है, मुट्ठी को बांधना है, एक साधक वैसे ही कर रहा है, ऐसे नहीं, मुट्ठी को बांधिए, वेरी गुड, अपोजिट, वन टू थ्री फोर फाइव, उसी तरह लेफ्ट हैंड को बांधिए और राइट से थंब और उसका प्रेशर अपने रिस्ट पर दीजिए, दिख रहा है आपको, वेरी गुड, अब घुमाइए इसे पांच बार, वन टू थ्री फोर फाइव, रिवर्स, वन टू थ्री फोर फाइव,
वेरी गुड। अब देखिए आपके हाथों की उंगलियों में जो लवचिकता आई है, जो कड़ापन था आपकी उंगलियों में, वह फ्री हो गया है। लग रहा है आपको? यस, गुड। इससे आप अपने ज्वाइंट पेन से तो बच सकते हैं, इससे आप अपने ज्वाइंट पेन से बच सकते हैं। इसके बाद का हम लोग थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास हम आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोग प्राणायाम बहुत गलत तरीके से करते हैं। कई बार अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग टेक्निक सबने सीखी है, तो उस प्राणायाम को आप टेक्निक से कैसे करेंगे, ये हम आपको आज बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि योग और आसन बाकी आप तो कर रहे हैं। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है। जहां भी आपको बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। अपने हाथों को चिन मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में कैसे भी रख सकते हैं। प्राणायाम कराने से पहले एक छोटा सा अंतर आपको बता दें कि आपने शायद कभी अनुभव किया हो, नहीं किया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने इस मुद्रा को, चिन मुद्रा को इस तरह रखा और श्वास लिया, तो श्वास आपके शरीर में अलग जगह जाती है, और इसी हाथ को आपने ऐसे कर दिया उल्टा, तो श्वास अलग जगह जाती है। इसका अनुभव आप करिए। पहले आंखों को बंद करिए और श्वास को, हाथों को इस तरह सीधा रखिए चिन मुद्रा। अब लीजिए श्वास 3 बार लंबी गहरी, और देखिए कि आपका श्वास कहां जा रहा है, नासिका, कंठ, चेस्ट, नाभि, कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, नाभि में जा रहा है। 3 बार श्वास को लीजिए। वेरी गुड। अब श्वास को उल्टा कर दिए, ज्ञान मुद्रा में कर दीजिए इस तरह उल्टा, और उसे अपने हाथों घुटनों पर रखिए, और अब श्वास को लीजिए। वेरी गुड। इसमें आपने अनुभव किया श्वास अलग अलग गई। वेरी गुड। पहली बार जब हमने चिन मुद्रा में रखा था तो श्वास सीधा नाभि तक आ रही थी, और जब हमने ज्ञान मुद्रा में कर दिया तो हमारी श्वास अपने लंग्स में जा रही थी। तो यह बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो आपने कभी नहीं किया होगा, यानी छोटा सा हाथ बदल जाए तो आपके श्वास का रास्ता बदल जाता है। यह योग का माध्यम है, और इस सीढ़ी तक आने में अपने को आसन, प्राणायाम, ध्यान सब करना होगा, तब जाके इस सीढ़ी तक आप पहुंच पाओगे। तो चलिए ज्ञान मुद्रा में, चिन मुद्रा में हाथ को रखिए, आंखों को बंद करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे सामान्यतः लोग अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो हमारे गुरुओं ने बताया है उस हिसाब से नाड़ी शोधन आपकी जो 72,000 नाड़ियां आपके शरीर में है उस, और अनुलोम विलोम करने का जो तरीका है वो अलग है, वह भी हम आपको सिखाएंगे। पहले हम नाड़ी शोधन को कर लें। नाड़ी शोधन में आपको करना क्या है, कहीं भी करें आप, गार्डन में करें, घर पे करें, बेड पे करें, चेयर पे बैठ के करें, कहीं भी आप अगर प्राणायाम करते हैं, तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, यह पहला नियम। गर्दन को सीधा रखना है, यह दूसरा नियम। तीसरा नियम, अपनी बंद आंखों से अपने श्वास पर एकाग्रता करनी, ध्यान को भटकाना नहीं, भूल जाइए पड़ोस में कौन है, आवाज क्या आ रहा है, आपको सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान देना। तो नाड़ी शोधन में क्या होता है कि सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट नासिका से श्वास को लेना है और उसको राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लेकिन इसका प्रमाण है, आपने लंबा श्वास लिया, लंबा छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप 5 काउंट तक श्वास को लीजिए, काउंट सेकंड की तरह होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, फिर छोड़ते समय 5 काउंट श्वास को छोड़िए, फिर 5 काउंट लीजिए और
पांच राउंड छोड़िए, ऐसे तीन राउंड अपन करेंगे, समय अभाव में उसे आप प्रैक्टिस में बढ़ा सकते हैं। चलिए गर्दन सीधी आंखें बंद। अच्छा, इसमें हाथ की मुद्रा को भी आप देख लें, कई बार लोग इसे एक बार देख ले। सबसे पहले जो दो उंगली है अपनी, इंडेक्स फिंगर और मिडिल, इसको आपको अपने आज्ञा चक्र पर रखना है और आपके थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है और रिंग फिंगर से लेफ्ट को, यह लीवर की तरह काम करेंगे। कई बार लोग ऐसा करते हैं इस तरह, नहीं, आपके शरीर की हलचल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप पहली दो उंगलियों को अपने माथे पर आज्ञा चक्र पर रखें, थंब को राइट नॉस्ट्रल पर रखें और रिंग फिंगर को लेफ्ट पर रखें। अब राइट को बंद करिए थंब से। आपकी दो उंगली का प्रेशर, हल्का प्रेशर आपके आज्ञा चक्र पर होना चाहिए ताकि वह जागृत रहे। अब लेफ्ट से श्वास को लीजिए पांच काउंट तक, 1 2 3 4 5, लेफ्ट को, राइट से छोड़िए 1 2 3 4 5, फिर लीजिए राइट से 1 2 3 4, लेफ्ट से छोड़ना है 1 2 3 4 5, ऐसे तीन राउंड अपने को करने करिए एक साथ। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर, अपनी चेतना को अपने श्वास पर रखिए। वेरी गुड। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने आज्ञा चक्र पर रखिए, थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करिए और पूरी एकाग्रता के श्वास को लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अनुभव करते रहे, जो भी आप कर रहे हैं उसका अनुभव करिए अपने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तीन बार करना है, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, यह एक राउंड हो गया, ऐसे तीन राउंड। तीन राउंड होने के पश्चात दो राउंड और करेंगे। अब श्वास को हम 7 काउंट तक बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5, जो श्वास आप ले रहे हैं उसे 7 काउंट तक बढ़ाइए। अब पहले आपने 5 काउंट लिया था, आप 7 काउंट करिए दो बार। दो बार होने के बाद श्वास को 10 काउंट तक बढ़ाइए, एक राउंड। कोशिश करिए 10 काउंट तक आपका श्वास जाता है या नहीं जाता है। शरीर की हलचल नहीं होनी चाहिए, शरीर स्थिर रहे, सिर्फ आपका पेट हलेगा। वेरी गुड, रिलैक्स। जिनका हो गया है वो रिलैक्स करें। बहुत अच्छे, अब इसी प्राणायाम में एक और चीज हम आपको सिखा रहे हैं जिसे हम योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। बहुत अच्छा विषय है यह भी कि योगिक ब्रीदिंग, बहुत लोगों को अभी पता नहीं होगा हम श्वास कैसे लेते हैं। तो हम श्वास लेते हैं नासिका, कंठ, चेस्ट, नाभि, और आप देखिए जब आप श्वास भीतर जाता है तो आपके तीन चेंबर रहते हैं श्वास के, जिसे आपको भरना होता है। पहला आपका पेट, दूसरा आपका छाती और तीसरा आपका ये कंधे, कैलिकुलस। ठीक है, तो जब हम श्वास लेते हैं तो ये तीनों चेंबर को भरना है और श्वास छोड़ते हैं तो तीनों चेंबर को खाली करना है, जिसे हम योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग अभी किया हमने, जो वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग पहला करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सिर्फ पेट को फुलाना है और श्वास छोड़ना है। दोनों नासिका से हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखें,
पूरी श्वास पेट में भरे, चिन चिन मुद्रा ऐस। हाँ यस करेक्ट। आंखों को बंद करिए, तीन बार श्वास लीजिए, पेट को पूरा फुलाइए, मैक्सिमम फुलाइए जितना आप फुला सकते हैं, और पूरा श्वास छोड़िए। वेरी गुड। अनुभव करें, यह अनुभूति का विषय है प्राणायाम। इसे बाहर से कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, इसे आपको स्वयं अनुभव करना होगा। वेरी गुड। अब इसे थोड़ा टेक्निक से करेंगे। पांच काउंट तक श्वास आपको पेट में भरनी है, तीन काउंट तक श्वास आपको चेस्ट में भरनी है, और दो काउंट श्वास आपको कंधों में अनुभव करना है। कोशिश करिए, तीन काउंट भरिए पेट में, इस बहुत अनुभव, माइन्यूटली अनुभव है, इससे आप करिए। आंखों को बंद करिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब श्वास लीजिए, पहले पेट में श्वास को लीजिए, 1 2 3। अब चेस्ट को फुलाइए, 1 2। अब कंधों में थोड़ा अनुभव करें श्वास को, 1 2। छोड़ते समय कंधों से छोड़िए पहले, फिर चेस्ट से छोड़िए, फिर पेट से छोड़िए। वेरी गुड। दिस इज एक ब्रीदिंग हुआ है, इसे तीन बार करना है। लीजिए श्वास, तीन काउंट पेट में, टू काउंट चेस्ट में, टू काउंट कंधों में। पूरी एकाग्रता से करिए। योगिक ब्रीदिंग हम कर रहे हैं। वी हैव थ्री चेम्बर्स है, उन तीनों चेम्बर को अपने श्वास के साथ भरना है और तीनों चेम्बर से श्वास को खाली करना है। 3 2 2। पूरी एकाग्रता के साथ करिए, और तीन बार होने के बाद पेट में थोड़ा सा काउंट को बढ़ा दीजिए, पांच काउंट पेट में लीजिए, तीन काउंट चेस्ट में लीजिए, और दो काउंट कंधों में लीजिए, तीन बार। छोटे छोटे अनुभव हैं जो आप शायद इससे पहले नहीं किए हैं, आपकी अनुभूति ही आपका अनुभव होगी। पेट में श्वास भरिए, पांच काउंट, चेस्ट में श्वास को भरिए, चेस्ट फूलेगा, कंधों में श्वास आएंगे, कंधे ऊपर की तरफ जाएंगे, छोड़ते समय पहले कंधों से छोड़िए, फिर चेस्ट से छोड़िए, फिर पेट से छोड़िए। बहुत आराम से लीजिए श्वास को, जिस सेकंड का काटा बढ़ता है उसी तरह अपने श्वास को अनुभव करें। यह भूति और अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छे। योगिक ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, और जब भी आप श्वास ले, नॉमिनल या नॉर्मल श्वास भी आप लेते हैं, तो आपका श्वास इतना लंबा होना चाहिए। इसे धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, पेट में 8 काउंट, चेस्ट में 5 काउंट, 3 काउंट कंधों में। जितना श्वास आपका लंबा होगा, आपकी आयु उतनी लंबी होती चली जाएगी और उतनी स्वस्थता का अनुभव आप करने लगेंगे। बहुत अच्छे। पांच बार करना है, सिर्फ पांच। आराम से जब कंप्लीट हो जाए तो अपने आप को रिलैक्स कर लें, पैरों को सामने की तरफ खोल के रिलैक्स कर लें, पैरों को जो तनाव आया है उसे रिलैक्स कर लें, पैरों को हिला लीजिए, थोड़ा सा शेक कर लीजिए, ताकि जो पैरों में खिंचाव आया है वो उसे आप रिलैक्स कर सकें। बहुत अच्छे, हिला लीजिए पैरों को थोड़ा सा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप श्वास लेते हैं फिर से आप बैठ जाइए आसन में। अब आपने अनुभव किया होगा कि श्वास की कितनी इंपॉर्टेंस अपने शरीर में, जितना ऑक्सीजन आप अंदर दोगे उतना आपका शरीर संचालन सही होगा, और श्वास जितना लंबा लोगे उतना आपकी दीर्घायु बढ़ते जाएगी। जो श्वास छोटे लेता है, कई बार अब जब टेंशन में होते हैं तो श्वास बहुत छोटी आती है, अब बहुत फास्ट श्वास लेते हैं तो उससे आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम पड़ता है तब हम लोग श्वास को बहुत फास्ट लेते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में भी श्वास बहुत सामान्य होनी चाहिए, एक संत होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। जब आप लंबी श्वास लोगे तो उतना ही आपका शरीर कूल रहेगा, चिंता मुक्त रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा। तो यह हुआ योगिक ब्रीदिंग का भाग। अब आपको अनुलोम विलोम के बारे में भी बता दें, क्योंकि कई भ्रांतियां है कि अनुलोम विलोम ऐसा करते हैं, नहीं। अनुलोम विलोम को हमारे गुरुओं ने बताया है कि आप शांत बैठे हैं, आंखों को बंद करके बैठे हैं, और जब आप श्वास लेते हैं तो मानसिक श्वसन आपको करना है। जो हमने नाड़ी शोधन किया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, यह श्वास आपको मानसिक तौर पर करना है। मानसिक तौर पर अनुभव करना है कि आप लेफ्ट से श्वास ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। यह हुआ अनुलोम विलोम। करके देखिए एक बार, आप मानसिक तौर पर कर सकते हैं क्या? फिर से गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर। अब मानसिक तौर पर श्वास लीजिए, अनुभव करें कि आप लेफ्ट से श्वास ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। पांच बार करना है, पांच बार अनुभव करें। मानसिक श्वसन आपको करना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। यस रीता जी, जोबा जी, हाथ का प्रयोग किए बगैर, बगैर हाथ का प्रयोग किए मानसिक तौर पर करके देखिए। हाथ का उपयोग नहीं करना है आपको, सिर्फ श्वास मानसिक तौर पर लेना है, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। सब अनुभूति है, आप अपने आप में यह अनुभव करें कि आप क्या कर रहे हैं, श्वास का कितना उपयोग आपको हो रहा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जब हो जाए तो अपने आप को रिलैक्स कर दे, वेरी गुड। यह तो हुआ प्राणायाम की विधि। ऐसे बहुत सारे और प्राणायाम हैं जो छोटे छोटे आपको अनुभव देंगे, लेकिन आज समय अभाव है तो अब एक छोटा सा आसन जो आपके कमर के लिए, मैक्सिमम होता है कि लोगों की कमर बहुत दर्द करती है, और आजकल का हमारा मोबाइल का यूज इतना बढ़ गया है कि जिसमें सर्वाइकल की भी तो ऐसे, उसके लिए एक छोटा सा आसन हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आप अगर मोबाइल का यूज करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लेट कर मोबाइल मत देखिए, सोफा सेट पर नहीं लेटना है, लेट कर मोबाइल नहीं देखना है। अगर मोबाइल देखना है तो इस तरह सामने पकड़ कर देखिए, यहां नहीं, या लेट कर नहीं देखिएगा। अगर आप लेट कर मोबाइल देखते हैं तो आपके दाएं कंधे में, बाएं कंधे में स्टिफनेस आएगा, धीरे धीरे सर्वाइकल की गैप बढ़ेगी, नमनेस आएगा, चीटियां आएगी, और आप बहुत परेशान हो जाएगी, चक्कर भी आ सकते हैं। तो लेट कर मोबाइल नहीं देखिएगा। अब रहा कमर दर्द, कमर दर्द ऐसा आता है कि कई बार आप कोई वजनी चीज उठा लेते हैं, कई बार बहुत काम करते हैं
या कई बार सोफा सेट पर हम कई घंटों तक बैठ जाते हैं तो हमें उठने में तकलीफ होती है और हमारी कमर भी सीधी नहीं हो पाती, या कई जगह ऐसा होता है कि हम बहुत देर खड़े रहते हैं, आवश्यकता नहीं होती है फिर भी खड़े रहते हैं, तो जिसका पूरा प्रेशर हमारे स्पाइन पर आता है और स्पाइन पर जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपका कमर दर्द बढ़ेगा। तो ऐसे में आप एक आसन कर सकते हैं, मकरासन। आप लोग को मकरासन पता होगा, लेकिन हम जो टेक्निक का मकरासन बताएंगे उसमें थोड़ा बदलाव होगा। तो आप सब लोग पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाइएगा, बरोबर करेक्ट। पेट के बल लेटने के बाद आपके पैरों को पूरा फैला दीजिए, जितना आप फैला सकते हैं स्प्रेड कर दीजिए, और आपके पैरों की जो एरिया है उसको इस तरह रखिए बाहर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ रहेगी, एड़ी जमीन पर लगी हुई रहेगी, वेरी गुड। और हाथों का स्टैंड अपने चिन के नीचे बना लीजिए, इस तरह हाथों का स्टैंड बना लीजिए अपने चिन के नीचे, वेरी गुड। और पूरे स्पाइन को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। अगर किसी को कमर में दर्द लग रहा हो तो अपने हाथों की गैप को बढ़ा दीजिए, हाथों की गैप को थोड़ा फैला दीजिए अगर कमर में दर्द लग रहा हो। जिन्हें सर्वाइकल में दर्द लग रहा हो, जिन्हें सर्वाइकल की तकलीफ हो, गर्दन की तकलीफ हो, वो अपने हाथों को थोड़ा आगे की तरफ कर दें। जिन्हें सर्वाइकल में गर्दन में दर्द हो वो अपने हाथों को थोड़ा सामने बढ़ा दें और स्पाइन को ढीला छोड़ दीजिए, पूरा ढीला, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, स्पाइन को ढीला छोड़ दीजिए। और जहां दर्द नहीं होगा, जब मिनिमाइज होगा, उस पोस्चर में आप रुकिए। अब आंखों को बंद कर लीजिए और अपने श्वास को देखिए, श्वास आपके सर्वाइकल से टेलबोन रीजन तक जा रही है, आपके स्पाइन में जा रही है, इसका अनुभव करें। और श्वास के साथ एक मंत्र को जोड़ दीजिए, सो हम। जब आप श्वास लेंगे मानसिक तौर पर कहिए सो, जब आप श्वास छोड़ोगे मानसिक तौर पर कहिए हम, और अनुभव करें कि श्वास आपके स्पाइन में जा रही है और पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। सो हम, सो हम, पूरी एकाग्रता के साथ करिए। यह नेचुरल ट्रैक्शन के रूप में हम इसे कहते हैं, जिसे सर्वाइकल की तकलीफ हो, कमर दर्द हो, लंबर पेन हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, वह इस आसन को दिन में कम से कम 1 से 15 बार करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात। खाने के बाद इस आसन को नहीं करना है, भोजन के पश्चात 1 घंटे तक नहीं करना है। कुछ भी चीज अगर आपने खाई है तो 1 घंटे तक नहीं करिएगा। पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए अपने स्पाइन पर, आंखों को बंद रखिए 1 मिनट तक। एक मिनट के पश्चात आप नीचे रिलैक्स पोस्चर में आ जाइएगा। 1 मिनट कैसे होगा, तो 1 से 60 तक गिनती आप गिनिए, 1 मिनट हो जाएगा। मानसिक तौर पर 1 से 60 तक गिनती गिनिए, 1 मिनट हो जाएगा। एक मिनट पश्चात आप रिलैक्स पोस्चर में आ जाइए। यह आसन किसी भी व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे 90 साल का बूढ़ा हो, हर व्यक्ति को यह आसन अपने जीवन में रेगुलर तौर पे करना चाहिए, ताकि हम दिन भर अपने स्पाइन को सामने की तरफ झुकाकर काम करते हैं। अगर हम सब्जी काटते हैं तो सामने झुकते हैं, किताब पढ़ते हैं तो सामने झुकते हैं, मोबाइल देखते हैं तो सामने झुकते हैं, या कोई भी काम सामने झुककर करते हैं, तो हमारे स्पाइन को पीछे की तरफ करने के लिए यह नेचुरल ट्रैक्शन है। इससे आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तो इसे अपने जीवन में एक नियमित क्रिया के रूप में आप ढाल दें तो मुझे लगता है आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। अब एक और छोटी सी क्रिया को हम आप सिखाएंगे,
योग निद्रा, योग निद्रा इतनी अच्छी क्रिया है कि इसे आप अपने शरीर को स्थिर करने में, बीपी अगर आपका बड़ा हो योग निद्रा में लेट जाइए, आपका बीपी कम हो जाएगा। शुगर लेवल को कम करना है तो भी यह क्रिया आपको काम करेगी। इवन बच्चों को या जो पढ़ाई करते हैं, सीधा लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वह भी इस क्रिया को अगर दिन में एक बार करें तो वह अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, एमबीए के हैं, ट्वेल्थ के हैं, यह जो क्रिया को बगल में रखें, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप कर दें, गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगले 5-7 मिनट तक आपका शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा। कपड़ों से कहीं तनाव हो तो उसे ठीक कर लें, और मानसिक तौर पर कहिए कि अगले 5-7 मिनट तक मेरा शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा, मैं सिर्फ करूंगा। जो लोग बैठे हैं वे आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, अगर वो बैठने में दिक्कत है तो वो किसी दीवार से टिक कर बैठ सकते हैं, और अपने श्वास के प्रति आप सजग हो जाएं। हर श्वास के प्रति सजगता, अपने दाहिने पैर को ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल कर दीजिए, बाएं पैर को शिथिल कर दीजिए, कमर को शिथिल कर दें, पीठ को शिथिल कर दें, दोनों कंधों को शिथिल कर दें, गर्दन को शिथिल कर दें, दोनों हाथों को शिथिल कर दें, पूरा शरीर। अब एक छोटा सा संकल्प करिए, अपने मन में दोहराइए 3 बार, कोई भी छोटा सा संकल्प आप करें, मैं स्वस्थ हूं, और अब अपनी चेतना को अपने शरीर पर घुमाना है। शरीर के हर अंग को, जिस अंग का नाम मैं लूंगा, अपनी चेतना को, अपनी श्वास को वहां तक लेकर जाएं और उसे रिलैक्स करें। अब अपनी चेतना को अपने शरीर के दाहिने हिस्से पर लेकर आएं, दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, प्रबाहु, केहुनी, दंड, बगल, कंधा, कंधास्थि, दाहिनी पीठ, दाहिनी कमर, दाहिना नितंब, दाहिने पैर की मांडी, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की पिंडली, दाहिने पैर की एड़ी, तलुआ, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पूरा दाहिना शरीर। अब अपनी चेतना को अपने शरीर के बाएं हिस्से पर लेकर आएं, बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, कलाई, प्रबाहु, दंड, बगल, कंधा, कंधास्थि, बाईं पीठ, बाईं कमर, बायां नितंब, बाएं पैर की मांडी, घुटना, पिंडली, एड़ी, तलुआ, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पूरा बायां शरीर।
अब अपनी श्वास जो आप ले रहे हैं उसे मानसिक तौर पर गिनने का प्रयास करना है। श्वास भीतर आई, मानसिक तौर पर कहिए 21, गई मानसिक तौर पर कहिए 21, श्वास भीतर आई 20, श्वास बाहर गई 20, श्वास भीतर आई 19। इस तरह उल्टी गिनती आपको गिननी है 21 से 1 तक। जो श्वास आप ले रहे हैं नॉर्मल श्वास, उसको मानसिक तौर पर गिनने का प्रयास करें। श्वास भीतर आई 20, श्वास बाहर गई 20। इस तरह उल्टी गिनती गिनिए। यदि गिनती गिनने में गलती हो जाए तो पुनः 21 से शुरू करें। पूरी एकाग्रता, अपने श्वास के प्रति सजगता, शरीर का हलचल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ निर्देशों का पालन करिए। अब गिनती अगर आपकी पूरी हो जाए तो आप गिनती पूरी आए मानसिक तौर पर देखने का प्रयास करें। मंगलवार की सुबह आप उठे, फिर जो भी आपने अपने कार्य किए उसे एक बार पूरी तरह आंखों के सामने ले, बंद आंखों के सामने कल सुबह से तक आपने जो भी किया, सीखे, जो एक्सरसाइज करी, कल शाम को आपने जो कार्य किया, दिन में कार्य किए, अपनी आंखों के सामने देखने का प्रयास करें। कोई आवाज नहीं आए, किसी से आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा, सिर्फ अपने मानसिक तौर पर अपने चेतना को चलाइए। कल दिन भर के जो कार्य आपने किए हैं उसे एक बार बंद आंखों के सामने देखने का प्रयास करें। पूरी सजगता के साथ गिनती को गिनिए। कल जो कार्य आपने किए अब तक, उन सब को एक बार फिर से देखने का प्रयास करें। आज सुबह हमने जो कुछ सीखा उसे देखने का प्रयास करें। बच्चे यदि जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वह कल स्कूल कॉलेज में जो भी आपको पढ़ाया गया है उसे एक बार अपनी आंखों के सामने देखिए, बंद आंखों के सामने विजुलाइज करिए। फिर से अपनी चेतना को अपने शरीर पर लेकर आएं। मन में कोई विचार चल रहे हैं उसे भी एक बार देख लीजिए। कोई कार्य करने का विचार हो, कहीं जाने का विचार हो,
किसी से मिलने का विचार हो, जितने विचार आपके मन में चल रहे हैं अच्छे भले बुरे उसे देखने का प्रयास करें अपनी बंद आंखों के सामने। कोई भी विचार मन में शेष ना रहे, पूरे विचारों से आपका मन खाली हो चुका है। अपनी चेतना को अपने भ्रूम मध्य में लेकर आए और जो संकल्प आपने किया था उसे पुनः 3 बार दोहराए। हाथ और पैरों की उंगलियों को हिला लें, गर्दन को हिला लीजिए, अपने हाथों को पूरा ऊपर की तरफ लेकर स्ट्रेच करें, सिर के ऊपर हाथों को लेकर जाएं, पूरे शरीर को तनाव दें, खिंचाव दें, पैरों को नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ, घुटनों को मोड़िए, अपने दोनों घुटनों को मोड़िए, आंखें बंद रहेगी, दोनों घुटनों को मोड़िए, लेफ्ट राइट टर्न करें, दाहिनी और बाईं तरफ अपने आप को मोड़िए, ट्विस्ट करिए। अब बाईं करवट लेकर उठकर बैठिए, आंखें बंद रहेगी, बाईं करवट लेकर उठकर बैठिए, आंखें बंद रहेगी, फिर से एक सरल आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद रहेगी, आंखों को नहीं खोलना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, शरीर को स्थिर कर दें, शरीर की हलचल को बंद कर दें और अगले 1 मिनट तक अपने शरीर को स्थिर कर दें एक चट्टान की तरह और अपने श्वास के प्रति आप सजग रहें। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ सामान्य श्वसन, जो श्वास आपकी चल रही है उसके प्रति आप सजग रहें। अब अपनी चेतना को अपने भ्रूमध्य में लेकर आए, दोनों आंखों के बीच की जगह जिसे हम भ्रूमध्य कहते हैं, वहां अपनी चेतना को लेकर आए, वहां एक ओम की अनुभूति करें, ओम की आकृति को देखने का प्रयास करें। लंबी गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण 3 बार करें। लीजिए गहरा श्वास, फिर लीजिए गहरा श्वास, ओ फिर लीजिए गहरा श्वास, ओ एक साथ बोलेंगे ओम शांति 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 ही हरि ही ओम। दोनों हाथों को रगड़िए, उसकी ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाइए, फिर आंखों को खोलिए। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आपने बहुत अच्छे तरीके से किया, मुझे सुना। समय अभाव, 5 मिनट हमने ज्यादा ले लिए, क्या समझा पाए हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हमने बताया उसे आप जीवन में ढालिएगा तो निश्चित तौर पर उसके फायदे आपको नजर आएंगे। आज के क्लास को हम यहीं
रोकते हैं और आगे डांगे जी से निवेदन कि वो आगे क्लास लें। यस डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्वप्रथम हमारे ताली बजा के हमारे प्रवीण सर का, डॉक्टर प्रवीण सर का हम आभार व्यक्त करें। बहुत ही सुंदर डॉक्टर प्रवीण सर नागपुर से ही है और एमडी अल्टरनेटिव मेडिसिन में किया है, नेचुरोपैथी का कोर्स, योगा का कोर्स, जर्नलिस्ट भी है और बहुत जगह फैकल्टी के रूप में भी सेवाएं उन्होंने योग टीचर के नाते दिए है। आकाशवाणी पे भी उनके बहुत सारे कार्यक्रम है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है, आध्यात्मिक भी व्यक्तिमत्व है, बहुत सारे उपक्रम उनके नागपुर शहर में शुरू होते हैं। और मैंने कल समय पे उनको फोन किया तो बिल्कुल ये होती है अच्छे व्यक्ति की, अच्छे टीचर की पहचान, बिल्कुल लेंगे बोले। तो ये प्रवीण सर बहुत ही ज्ञानी व्यक्तित्व है और आपने देखा होगा कि उन्होंने कितना सुंदर क्लास लिया, कितना बिल्कुल फीलिंग के साथ, भाव के साथ में हर व्यक्ति को फीलिंग आती थी और कुछ हटके थे, यूनिक थे कुछ उनकी एक्टिविटी, जो प्राणायाम को लेना, श्वसन की क्रिया थोड़ी सी हटके थी। और उन्होंने बिहार से कोर्स किया है योग टीचर का, तो और खुद क्लिनिक भी उन चलाते हैं। तो मैं पुनश्च त्रिवेणी संगम की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और जो हमारे साधक जुड़े उनका भी हार्दिक धन्यवाद। और आनंदमल सेठिया सर हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के स्क्रीन पे है, अलका जी कल्याणम योगा की फाउंडर वो भी स्क्रीन पे है, सूरत से है, तो आपका भी स्वागत। और जिन्हें पहले मेरे ख्याल से आनंदमल सर आप कुछ बात करना चाहेंगे, अलका जी बात, चले अलका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अलका जी अलका जी जय जिनेन्द्र, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर प्रवीण गुड भाई मॉर्निंग, बहुत प्रवीणता से उनकी जो दिखाई दे रही थी, कितने सुंदर तरीके से श्वास के जो प्रयोग किए वो सचमुच कुछ अलग ही थे। उन्होंने बोला था वो आपने पहली बार किए होंगे, तो सचमुच वो जो प्रयोग है हाथ उल्टा करने का, वो वैसे पहली बार कई लोगों ने किया होगा। बहुत बहुत अच्छा था वो प्रयोग। और इस तरह माइंडफुलनेस बोलते इसको, कोई भी चीज करो तो माइंडफुल करो, पूरा उसमें इन्वॉल्व होकर करो तो पूरा उसका रिजल्ट आएगा। तो वो माइंडफुलनेस पर प्रवीण जी का जो पूरा कंसंट्रेशन था उससे रिजल्ट बहुत अच्छे भी आएंगे और छोटे छोटे प्रयोग से भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिंपल सिंपल बातें, मतलब बहुत, और जैसे राजू भाई ने कहा एकदम शांति से स्थिर, कहीं उतावल नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, एकदम मस्त क्लास ली, बहुत सुंदर बातें बताई। तो एक बार सब तैयार हो जाइए, सभी बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड, प्रवीण भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। त्रिवेणी संगम की तरफ से मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आते रहिए, जुड़ते रहिए और ज्ञान देते रहिए इसी भाव के साथ। ओम आराम। ओम आराम। आनंदमल सर यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि अलका जी ने बताया, बहुत सी नई बातें हमने आज जानी, जो करने का कर तरीका इतना सिंपल। और योगिक ब्रीदिंग जो श्वास लेने की भी जो क्रिया है, बताइए आपने योगिक तरीके से किस तरह से श्वास लिया जाए, ये सब चीजें, ये सब बातें हम ध्यान पूर्वक अगर नियमित अभ्यास करते हैं तो इसका निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा। तो मैं भी प्रवीण सर आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से, त्रिवेणी संगम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापन करना चाहूंगा। और आपसे निवेदन, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। ओम अरहम।